छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया गया। आज उत्तर प्रदेश में जयपुर जिला के छिंदवी क्षेत्र में जोखूलाल प्यारे देवी महाविद्यालय रामपुर नेवढिया में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किया गया, जिसमें स्कूल के प्रबंधक श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्राचार्य डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता, श्री रामनाथ गुप्ता, प्रबंधक चमेला देवी स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज, अजय कुमार, संतोष कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार, श्री आशीष कुमार गुप्ता, श्री जगनारायण मौर्य, श्रीमती वर्षा सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। छात्र छात्राएं स्मार्टफोन पाकर बहुत प्रफुल्लित हुए तथा माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का धन्यवाद दिया तथा कहा कि स्मार्टफोन से हमें शिक्षा जगत में बहुत उन्नति मिलेगी। मान्यवर आपका परिचय? डॉक्टर रमेश कुमार जी महाविद्यालय। आज कौन सा कार्यक्रम है? आज हमारे यहाँ बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्रों का टैबलेट वितरण हो रहा है, जो कि 175 छात्र छात्राएं हैं, सभी को वितरण किया गया, जो हमारे योगी आदित्यनाथ एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बच्चों को लैपटॉप दिशा निर्देश दिया गया वितरण करने के लिए, वो वितरण किया जा रहा है। हमारे नौ युवक ये स्मार्टफोन पाने के बाद छात्रों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत से प्रभाव पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन बच्चे हमारे नहीं पढ़ पा रहे थे, और इस स्मार्टफोन के कारण पढ़ना लिखना और सारी सुविधा जो भी उसमें दिया जाएगा, सब बच्चे हमारे पढ़ने में तात्पर्य होंगे। नहीं, हम योगी और आदित्यनाथ जो कुछ कहना है रेडी। हम योगी और आदित्यनाथ महोदय जी से और प्रधानमंत्री जी से आभार व्यक्त करते हुए हम और हमारे पूरे विद्यालय परिवार उनके आभारी हैं।